हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? आई होप सो ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन। डियर गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी 1.9 में देखा था सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। इस एक्टिविटी में यानी 1.10 एक्टिविटी में हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एडुक्सर। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया हुआ है। देखिए, हमको इसमें लिक्विड के बारे में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बोला गया है, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, हमको ये कलेक्ट कर लेना है। देन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप हमको लेना है। पुट 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैब। एंड आफ्टर दैट वॉट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला हुआ है। मेजर द 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इन टू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, ये पूछा हुआ है, ठीक है गाइस। चलिए मैं थोड़ा उसको और ईजी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर से हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। ये सारा सैंपल हमारे पास चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी एक दो सैंपल मिला तो भी काफ़ी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के अलग अलग कंटेनर्स बना लेता हूँ। जैसे कि एक ये कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया। देखिए, कंटेनर का शेप तो कुछ भी हो सकता है। एक ये कंटेनर हो गया, कंटेनर का शेप मैंने अलग अलग ले लिया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि 50 ml मार्क करना है। मेजरिंग सिलेंडर होता है, केमिस्ट्री लैब में अगर आप जाएंगे कभी तो वहाँ पर एक मेजरिंग सिलेंडर रखा रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है वो। और उसके अंदर क्या रहता है कि अलग अलग लेवल का मार्किंग रहता है। जैसे ये हो गया 10 ml, ये हो गया 25 ml, 40 ml, 50 ml का मार्किंग होता है। मान लीजिए कि 50 ml का ये मार्किंग हो गया, यहाँ तक आपको इसके अंदर वाटर, मान लीजिए कि अगर वाटर आप ले रहे हैं, वाटर को फिलअप कर लेना है। अब ये 50 ml जो है लिक्विड, आप पहले इस कंटेनर में डाल देंगे, दूसरा सैंपल लेंगे 50 ml का वाटर का, आप इसमें डाल देंगे, इस कंटेनर में डाल देंगे, फिर से 50 ml वाटर लेंगे और उसको इस कंटेनर में डाल देंगे, लास्ट में फिर से 50 ml का वाटर का सैंपल लेंगे और आप इस कंटेनर में डाल देंगे। इस तरीके से आपने क्या किया है गाइस कि आपने उसमें अलग अलग सैंपल, मेरा मतलब है अलग अलग कंटेनर में सेम सैंपल विथ सेम वॉल्यूम आपने डाल दिया है। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ। ये कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर बी हो गया, ये कंटेनर सी हो गया और ये कंटेनर डी हो गया। इस तरीके से क्या किया आप लोगों ने अलग अलग सैंपल को इन कंटेनर में डाल दिया है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, अब वो क्या बोलना चाहता है? देखिए, वो बोल रहा है दैट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैब, चलो ठीक है, वॉट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट इन टू द फ्लोर। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप इन कंटेनर में से जो लिक्विड आपने भरा है, अगर आपने उन लिक्विड को जमीन पर फैला दिया, जमीन पर गिरा दिया, तो जमीन पर गिराने के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। आई वॉन्ट टू से, वो ये पूछ रहा है कि क्या वो फैल जाएगा बहुत इजीली कि नहीं फैल पाएगा। जैसे हम लोगों ने तो सिर्फ अभी वाटर का एग्जांपल लिया। चलिए मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ए वाले में वाटर भरते हैं, बी वाले में हम लोगों ने कुकिंग ऑयल भर दिया, सी वाले में भर दिया दूध यानी मिल्क, और डी वाले में भर दिया हम लोगों ने मान लीजिए कि जूस या कोल्ड ड्रिंक भर दिया। चार ABCD में चार अलग अलग सैंपल भर दिया, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि 50 ml वाटर, 50 ml ऑयल, 50 ml मिल्क और 50 ml जूस, इन सबको जब हम अलग अलग शेप ऑफ कंटेनर में भर देंगे, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आप लोगों से कि क्या इन सबका शेप एक जैसा दिखेगा? यस गाइस, क्या इनका शेप और साइज एक जैसा दिखेगा? सेकंड क्वेश्चन है, क्या इन सबका वॉल्यूम एक जैसा होगा? थर्ड क्वेश्चन है, जब मैं इसको ज़मीन पे गिरा दूंगा तो क्या ये एक जैसे फैलेंगे? ये तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस, यस, ज़रा सोच लीजिए क्या आंसर होगा। यस, सोचिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए ज़रा। ओके गाइस, आई होप सो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या होगा आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन था मेरा कि क्या इनका शेप और साइज एक जैसा होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड में कोई भी एग्जांपल लीजिए, उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता, उसका खुद का कोई शेप और साइज नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन था, क्या उनका वॉल्यूम फिक्स होगा? तो येस गाइस, उनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कितना वॉल्यूम लिया था इसका, आपको मालूम है? हम लोगों ने कितना वॉल्यूम लिया था? हम लोगों ने लिया था 50 ml, 50 ml हम लोगों ने लिया था ना। तो 50 ml कैसे भी दिखे, वो आड़ा तेड़ा दिखे, सीधा दिखे, लंबा दिखे, गोल दिखे, 50 ml यानी 50 ml ही होता है। वॉल्यूम मस्ट बी कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द लिक्विड्स। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये मैंने पूछा था कि अगर आप लोग उसको ज़मीन पे गिरा देंगे तो क्या सबका बहना, फ्लूइड नेचर सबका एक जैसा होगा?
तो गाइस आई होप सो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि बिल्कुल सबका पहना एक जैसे हो ही नहीं सकता। कैसे होगा भाई, क्योंकि एक तरफ मैंने वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है, वाटर एकदम फ्री है, उसके अंदर कोई लेयर नहीं रहता, इसकी डेंसिटी भी बहुत नॉर्मल रहती है और विस्कोसिटी नहीं होती है। विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट गाइस, डोंट कंपेयर दिस टू थिंग्स। ओके, कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सरसों के तेल की बात करें या किसी भी ऑयल की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी तो कम होती है, ऑब्वियसली डेंसिटी तो कम होती है, मगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी से फैल नहीं पाएगा। मिल्क पानी के जैसा ही होता है, वो धीरे धीरे फैलेगा, मतलब लगभग पानी के जैसा ही फैल जाएगा। अब जूस लीजिए या कोल्ड ड्रिंक लीजिए, वो पानी से थोड़ा धीरे धीरे फैलेगा मगर अभी फैल जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने इस एक्टिविटी से, अभी एक्टिविटी आधी हुई है, पूरी नहीं हुई है, इस आधी एक्टिविटी से ये तो सीख लिया कि शेप साइज में क्या चेंजेस रहेंगे, वॉल्यूम में क्या चेंजेस रहेंगे, और ज़मीन पर गिरने के बाद उसका फ्लूइड नेचर कैसा रहेगा। यस गाइस, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आधी एक्टिविटी बची हुई है। आधी एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मैं बता रहा हूँ, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन ऑफ द लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका ये बोल रहा है कि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर डालते हैं, इसमें से 50 ml था और इसका आपने इसमें डाल दिया 50 ml, तो क्या इनका वॉल्यूम सेम रहेगा? तो बिल्कुल सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है। मगर हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम? नो, बिल्कुल नहीं, शेप एक जैसा नहीं हो सकता। When you pour the liquid from one container to into another, does it flow easily? हाँ, इसके बारे में सोचना है कि अगर एक कंटेनर से आपने, भले ही कंटेनर सेम हो मगर आप इसमें डाल रहे हैं, तो क्या वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा? डिपेंड करता है कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है। किसके पर डिपेंड करेगा गाइस? विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। और विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? विस्कोसिटी डिपेंड करता है उसके अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। चलिए थोड़ा सा नीचे की लाइन भी पढ़ लेते हैं, नीचे की लाइन में क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे कैप एंड लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉन रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। वो फ्लूइड तो होते हैं मगर फ्लूइड यानी बहने का टेंडेंसी होना, बहने की टेंडेंसी सब में होगी मगर एक जैसी नहीं होगी। ओके गाइस, आगे देखिए क्या लिखा है। वेयर वी सॉ द सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, मतलब इसमें यह बोला गया है कि देखिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ शुगर, लिक्विड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं मिल्क, और गैस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों आराम से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा भाई, अगर शुगर को पानी में डिजोल्व करेंगे तो घुल जाएगा, दूध को पानी में डालेंगे तो अभी घुल जाएगा, मिल जाता है। अब गैस का एग्जांपल तो आपको मालूम ही है, यू नो ओशियन में कितने सारे एक्वाटिक लाइफ रहते हैं, उसमें फिशेस भी रहती हैं और प्लांट्स भी रहते हैं। तो यस, अगर ये ओशियन है, यहाँ पे पानी है बहुत सारा, तो ऑब्वियसली इसमें दोनों टाइप ऑफ गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैस होगी भाई? एक तो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक रहेगा ऑक्सीजन, दोनों गैसेस होती हैं और दोनों की वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है। अब वाटर इनको डिजोल्व कर लेता है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है वो किसके काम आएगा? वो काम आएगा फिशेस के, ऑक्सीजन काम आएगा फिशेस के, क्योंकि फिशेस को डिजोल्व ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। ऑक्सीजन डिजोल्व मात्रा में रहता है, डिजोल्व पैटर्न में रहता है वाटर में, जिसकी ज़रूरत एक्वाटिक एनिमल्स को होती है। ओके, अब रहा सवाल कार्बन डाइऑक्साइड का भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ओशियन के अंदर रहने वाले प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स को भी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह सीखा कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, यानी कि मेनली तीन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं। देखिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। यस गाइस, लिखा हुआ है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्टिविटी 1.10 को मैंने वेल तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को लर्निंग में हेल्प हो रही है और अगर आपको लगता है कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपके लिए पॉजिटिव है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, थैंक यू वंस अगैन।